अब ये खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अब कमलनाथ चाहकर भी संभाल नहीं पाएंगे। जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो कांग्रेस 114 सीट पर थी और बीजेपी 90 पर थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कांग्रेस को आत्ममंथन और चिंतन की जरूरत है। ग्वालियर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर भी गए थे और वहां उनके छोटे भाई के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से भी उन्होंने खास मुलाकात की। परिणाम आए थे तो 114 सीट थी कांग्रेस की, हम 109, आज वो 90 है। हमारी आगे देखो, सरकार में थे तब लोग चले गए छोड़ के, विपक्ष में तो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। आत्मचिंतन और आत्मंथन करना चाहिए।